सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका नया दायर किया गया है। केरल में सबरीमाला मंदिर में तो जजमेंट आ गया, लेकिन इसके बाद वहां की ही मुस्लिम महिलाओं ने ये सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर किया है कि क्या उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने की अधिकार मिलना चाहिए। और कई महिला संगठन इसके लिए आगे आ गई हैं। उनका मानना है कि जब सबरीमाला मंदिर में, जहां पर अयप्पा मंदिर है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिलाओं को जाने की इजाजत दे दी है, ऐतिहासिक फैसला दे दिया है, तो ऐसे में मुस्लिम महिला को नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाने को क्यों ना उन्हें अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आज दायर हुआ है और इसमें निशा नाम की जो संस्था है, इसने इसकी अध्यक्ष है बीपी जुहरा, उन्होंने कहा कि कुरान में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और ना ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसा कहीं कहा है कि महिला को नमाज अदा मस्जिद में नहीं करना चाहिए। तो फिर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं पर बैन क्यों लगाया गया है? महिला क्यों नहीं जा सकती है? अगर केरल में सबरीमाला मंदिर का मिथक तोड़ा जा सकता है, वहां पर हिंदू महिलाओं को जाने का अधिकार मिल सकता है, तो फिर मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाने का अधिकार क्यों नहीं? और इसे लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गया है, बहस जारी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे देगा। इसके पहले ट्रिपल तलाक पर और निकाह हलाला पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक स्वतंत्रता और फंडामेंटल राइट के तहत मुकदमा दायर करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि इस पर वह जजमेंट दे दे, और सरकार ने जजमेंट दे दिया। सरकार ने एक कानून भी पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल तौर पर सही होगा कि किसी भी महिला के लिए ट्रिपल तलाक को सिर्फ बोल देना ही नहीं है, उसे गुजारा भत्ता भी देना होगा। उसी प्रकार से अब मस्जिद में नमाज अदा महिलाएं करेंगी या नहीं करेंगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और जब केरल की ही महिलाओं ने इसे केस किया है, वहां की मुस्लिम संगठन ने केस किया है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जब हिंदू में काफी वर्षों से चली आ रही एक कुरीति और एक सामाजिक जो मान्यता पहले था कि अयप्पा मंदिर जो है, सबरीमाला का जो मंदिर है, वहां पर महिलाएं नहीं जा सकती हैं, तो उसे उसे हटाया गया और इस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। वहां के पुरोहित की बात और दलील नहीं सुनी गई है। इसी तर्ज पर महिलाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में मुस्लिम महिलाओं को भी उसका अधिकार मिलेगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, नई रोचक खबर जो आपके लिए जरूरी है जरूर बताइए।